अरे तो हाँ माँ। रुको बेटा, प्रिया को स्कूल छोड़ने के बाद मेरे साथ जरा मंदिर चलना, पंडित जी को अमावस्या की पूजा का सामान देना है। ठीक है, आइए। ड्राइवर कहाँ गया? सूरज, ये ड्राइवर्स वहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या वहाँ? मैं देख के आती हूँ। क्या चल रहा है यहाँ पे? इतनी देर से आवाज लगा रही है, सुनाई नहीं देता है? अभी रितु क्यों रुक गई वहाँ? क्या हुआ? तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? लड़कियां देखने आते हो? जाओ चौकी गाड़ी निकालो। मामा, इन्हें सारे ब्यूटीफुल मॉडल्स हमारे घर में क्या कर रही है? पापा और दादू अब इन लोग के साथ काम करने वाले हैं। नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? खाटू श्याम जी महाराज, बस ये ना हो। पक्का निहार भैया का काम है, खुद तो पूरे दिन लड़कियों से घिरे रहते हैं और प्रतीक जी को भी। मामा चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ चलो बेटा आओ। सॉरी पर मानना पड़ेगा, अंकल ने एकदम सही डिसीजन लिया है। प्लीज यार अमृता, तो तुमसे इतनी सीरियस बात करो और तुम हो कि मेरा मजाक उड़ा रही। बड़े आए थे बेब और अच्छी दिखने वाली असिस्टेंट ढूंढने वाले, भुख तो बहन जी के साथ। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? बहुत बोल रही थी ना? स्टॉप। वैसे इट्स नाइस आज इतने दिनों बाद तुमसे मिल रही हूँ, वरना जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया अपनी शक्ल ही दिखाना बंद कर दी थी। राहुल के साथ ही टाइम पास करना पड़ता है। ये राहुल कौन? स्कूल फ्रेंड है। अच्छा है पर थोड़ा चिपकू है। ये इतना ही चिपकू है तो मिलती क्यों उससे? तुम फ्री नहीं होते तो क्या करूं? आज के बाद मैं तुम्हारे लिए फ्री फ्री हूँ। पापा ने जितने स्मार्टली मुझे उनके मन पसंद की असिस्टेंट दी है ना, उसे डबल स्मार्टली मैं उनके चकमा दूंगा। आखिर अपने बाप का ही बेटा, तुम अपना कैलेंडर फ्री रखना, बोल देना अपने राहुल, राज, आर्यन एसेट्रा एसेट्रा को कि आज के बाद तुम उनसे नहीं मिलोगी, कि आज के बाद पूरा दिन तुम मेरे साथ बिजी होने वाली। बातें तो सब करते हैं निहार गोयल, इन्हें पूरा करके दिखाओ तब मानू। निहार का वादा है और निहार गोयल अपने वादे तोड़ा नहीं करता।